احادیث فاطمہ الزہرا سید محمد تشتی کی لکھی ہوئی، نثار زین پوری نے ترجمہ کیا، کتاب میں نے بھی خریدی. یہ یاد رکھیے، کتاب میں ہر چیز ہر بندے کو نظر نہیں آتا. مجھے کوئی بھی کتاب لا کے دے دے اگر اس سے آل محمد کے فضائل نہ نکال لیں. ایک شخص آیا مولا کے پاس، کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں آپ کی معرفت ہو جائے. مولا نے کہا تا حکم ثانی پانی بند، جب تک میں دوسرا حکم نہ دو پانی نہ پینا. ایک دن گزر گیا پیاس بڑھتی رہی، دوسرا دن گزرا اور پیاس، رات گزری اور پیاس، تیسرے دن بھاگا ہوا آیا. مولا نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا مولا پیاس ایسے میرے اندر حضور کر گئی ہے اور میں پانی میں ایسا سما گیا ہوں کہ جدھر نظر اٹھاتا ہوں بس پانی نظر آ رہا ہے. مولا نے مسکرا کے کہا بس ہم نے بھی ایسے ہی کھو جاؤ کہ جدھر نظر کرو. بالکل کمانڈ اس چیز میں مولا کیا تھا، کیا کہا؟ جو جس میں کھو جاتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے. وہ نہیں، کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہو جاتا، یہ نہیں کہ وہ ہو جاتا ہے، اس جیسا ہو جاتا ہے. میں کسی خطیب کی نقل کروں، دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ لہجہ، اشارہ، سب اسی کے جیسا ہو جائے. کیوں؟ میں کھو رہا ہوں اس میں. خدا کے لیے غور کر لینا کیا کہا ہے میرے ممکنات نے، سلمان جو جس میں کھو جاتا ہے وہ اس جیسا ہو جاتا ہے. سلمان نے پہلو بدلا، علی نے چمنا بدلا. سلمان تو مجھ میں کھو گیا، مجھ جیسا ہو گیا، میں اس میں کھو گیا. چہرہ مجھ اللہ ہے، کون بڑھا سکتا ہے؟ کوئی سینہ صدر اللہ ہے، کون بڑھا
बात मत बोलना है, कौन बढ़ा सकता है? बढ़ने की गुंजाइश जिसमें हो उसमें बढ़ाओ, जो तुम्हारी बैसाखियों के सहारे बढ़े तो और है, और जो खुद मिंबर पे गए दूर कर लीजिए,
मौला का सच्चा मानने वाला वो है कि जहां मौला ने रोक दिया वहीं रुक जाए। ये नहीं कहे कि हमारा दिल कहता, हमारे दिल का नाम अली नहीं है, हमारे दिल का नाम अली नहीं है। देखिए बीबी ने आके खुद फरमाया भलाई का सादे दिल आलू लेना हो ना, क्या यही है मेरा नाम? बस क्या कहा? नहीं हम नहीं है, हम नहीं है भाई। बीबी के फरिश्तों को गुमान हुआ काहे का? आहिस्ता से कहूंगा, राज की बात है, धीरे से सुन लीजिएगा। बीबी पे बीबी पे बीबी पे इलाह का गुमान हुआ किसे? फरिश्तों को। फरिश्तों को रसूल ने क्या कहा? अली और फातिमा यूं बराबर है, यूं नहीं, यूं बराबर है अली और फातिमा। देखो नौजवानों, यूं बराबर है अली और फातिमा, जरा बराबर फर्क नहीं है। तो फिर हो जाता ना कि अली किसी दिन फजीलत में आके कहते फातिमा मैं वो हूँ जिसे नुसैरुल खुदा मान, मैंने इनकार किया, फातिमा को वहां माना गया, मैं अली से हाथ जोड़ के कहूंगा ये अली बंदों का नाम ना और है फरिश्तों का। सलमान के अमर की मसलहत को न समझ पाए। याद कीजिए ना वो वाकया, किताब का नाम है फजाइल सलमान, पूरी किताब है, ज़खीम तरीन किताब, अल मुंतखब नफसुर रहमान फी फजाइल सलमान, पूरी किताब का नाम है। और आज की लिखी किताब भी नहीं है। जनाब सलमान मदीने के बाहर ठीले पे बैठे हुए हैं, उंगली का ऐसे इशारा करते हैं, रात आ जाती, यूं इशारा करते हैं ये निकल आता है। मैं किताब का नाम बता दिया है ताकि बाद में चिड़ी गोइया ना हो, मिंबर से बात कर रहा हूं, घूंघट में नहीं, चेहरा मेरा पहचान लो, जो पढ़ूंगा बिल्कुल हवाले के साथ और पढ़ा हुआ पढ़ूंगा रटा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ पढ़ूंगा, किताबों का हवाला पेश करूंगा। नफसुर रहमान फी फदाइल सलमान में ये वाकया दर्ज है कि सलमान ने यूं किया, रात आ गई, यूं किया दिन निकल आया, खानदानी परेशान साहबा, इससे खूबसूरत लफ्ज कैसे इस्तेमाल, खानदानी परेशान साहबा, कभी घर जा रहे रात हो गई, आज तवज्जो किया होता आपने, फिर यूं कर दिया सलमान ने, दिन निकल आया मस्जिद की तरफ चल दिए, फिर यूं कर दिया सलमान ने, रात आ गई फिर घर की तरफ चल दिए। सबने कहा ये चक्कर क्या है, आज कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात, तलाश करते 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 देखा सलमान बैठे हुए टीले पे, यूं कर रहे हैं दिन, यूं कर रहे हैं रात, यूं कर रहे हैं दिन, यूं कर रहे हैं रात। सलमान अच्छा दौड़े हुए गए, क्या रसूल अल्लाह समझा दीजिए सलमान को, कभी हम घर जाते हैं कभी अल्लाह के घर जाते हैं, कभी घर जाते हैं कभी अल्लाह के घर जाते हैं, ये सलमान ने मजाक बना रखा है, उंगली का इशारा करता है, दिमाग जाता है, उंगली का इशारा करता है, रात आ जाती है, रसूल ने कहा कह करके कहा चले जाओ यहां से, जो कर रहा है उससे पूछो, जो कर रहा है उससे पूछो। और क्या है सलमान भैया ये तो बता दो, दिन क्यों निकालो, रात क्यों निकालो? सलमान ने कहा
पहचान की खोपड़ी में अल्लाह नहीं समझ में आएगा। एक शख्स ने यूं इशारा करके कहा, मेरे अल्लाह, मौला ने कहा शिर्क न किया कर। जब तूने इशारा ऊपर की तरफ कर दिया इसका मतलब वो नीचे नहीं। काश इशारा समझ गए होते, काश किनाया जो होता है खिताबत में उसे समझ लिया होता। तूने यूं इशारा किया नीचे कर उंगली, शिर्क कर रहा है, शिर्क कर रहा है। भाई अहमद मुस्तंबत का नाम तो सुना है, अल कतरा लिखी है जिन्होंने, एक वाक्य लिखते। छठे इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा